इस वीडियो का टॉपिक है फ्रिज के पास कट कट या फिर चिक चिक की आवाज क्यों और किस लिए आता है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। कई सारे इस तरीके के कमेंट्स या फिर सवाल होते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फ्रिज के पास से कट कट या चिक चिक जैसे आवाज आ रहा है तो किस तरीके से पहचानोगे और सॉल्व भी कर सकते हो। काफी सिंपल है, बहुत आसान तरीके से मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, मेरा वीडियो एग्जांपल है, आप अपने फ्रिज को मेरे बातों के हिसाब से देखेंगे तो 100% अपने फ्रिज की जो आवाज कट कट या फिर चिक चिक जैसे आ रहा है उसको पहचान लोगे। तो देखिए, सबसे पहले फ्रिज की पावर प्लग जो है बिजली की बोर्ड पे लगे ही रहना चाहिए। आप अपने फ्रिज के पीछे यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इसके पास में कंप्रेसर लगा होता है। ये कंप्रेसर अभी आपके फ्रिज की पावर प्लग से प्लग लगा हुआ है और कट कट या फिर चिक चिक जैसे जो आवाज़ आता है उसको आप आसानी से यहाँ पर से सुन सकते हैं जो कंप्रेसर के पास से आता है। ठीक है, उस कंडीशन में देखते हैं कि आपके फ्रिज का कंप्रेसर थोड़ी देर चलकर बंद हो जाता है तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। बिजली की बोर्ड से पावर प्लग से प्लग को अलग कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी चीज वायर्स वगैरह को हाथ लगाना है, नहीं तो करंट लग सकता है। मैं यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा कर लिया है कि आवाज़ यहीं कहीं से आ रहा था, अब मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि आवाज़ क्यों और किस लिए आता है। तो फिर से बता देता हूँ, पावर प्लग से प्लग अलग कर लेंगे नहीं तो करंट लग सकता है। तो यहाँ से मैं अलग कर लिया हूँ। इस कंप्रेसर में दो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, देखिए इस तरीके से, तो इसको कहते हैं रिले और इसको कहते हैं ओवरलोड ओएलपी। कई बार ऐसा होता है कि ओएलपी कमज़ोर होने की वजह से कंप्रेसर जब स्टार्ट लेता है तो ओएलपी तुरंत ही ट्रिप कर जाता है जो कि कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो जो साउंड आता है इसी के बंद और चालू होने का आवाज़ आता है। जब आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको आप थोड़ी देर रुक कर ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं या फिर गीला कपड़े से इसको ऐसे हल्का से ठंडा करते हैं तो फिर से यहीं से साउंड टिक कट जैसे आवाज़ यहीं से आता है। तो मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि फ्रिज के पीछे आवाज़ किस लिए आता है, वो इसके बंद चालू होने की वजह से आता है। अगर आप फ्रिज का कंप्रेसर एक मिनट से भी कम समय में बंद हो जाता है तो उस कंडीशंस में ये जो ओएलपी होता है वो कमज़ोर होने के कारण होता है। तो आप मार्केट से नया इसी तरीके का दूसरी ओएलपी लाकर अपने फ्रिज के कंप्रेसर के साथ लगाएं। ये देखिए इस तरीके से लगाएं या फिर आप फोटो भी खींच सकते हो खोलने से पहले। तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि फ्रिज के पीछे आवाज़ आने का किट किट या चक चक की जो आवाज़ है वो यहीं से आता है। उस कंडीशन में आप अपने फ्रिज की कंप्रेसर का ओएलपी चेंज करके देखते हैं तो कंप्रेसर ठीक से चलने लग जाता है।